आगे विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों का रखा गया और दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण आज हुआ है। छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस हो, जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये कहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की भावनाओं का पूरा सम्मान हो, उन्होंने ये भी कहा अपने अभिभाषण में कि सरकार ने 18 लाख आवास का वादा जो किया है वो पूरा किया जाएगा। सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में पूरे मनोयोग से काम करेगी। जीवन स्तर उन्नयन के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है, जिससे सदन को सरकार के आने वाले एक साल में जो गतिविधियां है, जो करने जा रही है, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूंगा कि ये शून्य रहा, 0/0 रहा। यही मैं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के द्वारा जो बुलवाया गया है, सरकार को यही कहूंगा कि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, किसी तरह का कोई काम करने की सोच नहीं है आपकी, साल भर में आप क्या करेंगे। इसलिए अभी राज्यपाल के अभिभाषण को मैं 0 कहूंगा। देखिए, जब से सरकार, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने दो चीजों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की, और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों, किसान की आत्महत्या, एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। इस चुनावी सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो पूर्व में थी, जिन्होंने गरीब परिवारों के हक को छीना था, 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आज रखा है विधानसभा में। 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 18 लाख आवास की बात जो कही है और आते से जिसको स्वीकृति दी गई है, इसके लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 2 साल का बोनस दिया जाना है उसमें। इसके अलावा महतारी बंधन योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। कुल मिलाकर 12,992 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट के लिए किया गया।